हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम सीटेट एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सभी आपके लेटेस्ट सीटेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो फिलहाल क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बैक्टीरिया के बारे में सही नहीं है। स्टेटमेंट देखते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि शाकाहारी जीवों में मौजूद बैक्टीरिया सेल्यूलोज के टूटने में मदद करते हैं। यानी जो शाकाहारी जीव होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, उनमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो सेल्यूलोज को टूटने में मदद करते हैं। फिगर से समझते हैं, गाय क्या होती है? कंप्लीटली शाकाहारी होती है और इसका जो पेट होता है यानी जो इसका स्टमक होता है वो चार डिब्बे में कैटेगराइज होता है, यानी उसके फोर पार्ट होते हैं। उसी में से एक पार्ट होता है आपका रूमेन, और रूमेन के अंदर पाए जाते हैं प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और फंगी। बैक्टीरिया क्या करता है, जब गाय घास खाती है, चारा खाती है, तो उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, तो उस सेल्यूलोज को ब्रेक करने में बैक्टीरिया हेल्प करती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाता है। सेकेंड की बात करते हैं, एंटीबायोटिक दवाओं की तैयारी में बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड कह रहा है कि ब्रेड और केक की तैयारी में भी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। गाइस, अगर ब्रेड और केक की बात करें तो उसमें बैक्टीरिया का यूज नहीं होता, बाकी ये मतलब बल्कि यीस्ट का इस्तेमाल होता है, यानी एट टाइप ऑफ यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग में, कुकिंग में और ब्रीविंग में। यीस्ट का इस्तेमाल करने से होता क्या है, जो आपका केक होता है, ये जो आपका ब्रेड होता है वो स्पंजी बन जाता है। इसीलिए यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, यानी गलत है और गलत ही पूछ रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि मनुष्यों में ए एक एक्सोक्राइन के साथ साथ एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बी नामक हार्मोन का उत्पादन करती है जिसकी कमी से सी नामक रोग हो जाता है। आपको बताना है ए, बी और सी की जगह पर क्या होगा। अगर ये आप देख रहे होगे फिगर, ये है अग्नाशय जिसे इंग्लिश में पैनक्रियास कहते हैं। ये क्या करता है, टू टाइप के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, एक होता है इंसुलिन, दूसरा होता है ग्लूकागोन। और इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, जिसमें डॉक्टर्स आपको मीठा खाने से मना करते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा अग्नाशय, इंसुलिन और मधुमेह। यानी अग्नाशय क्या होता है, एक एक्सोक्राइन के साथ साथ एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो इंसुलिन नामक हार्मोन को प्रोड्यूस करती है और जिसकी कमी से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि एलपीजी को सिलेंडर में तरल के रूप में संग्रहित किया जा सकता है, यानी जो एलपीजी गैस होती है, हमारे घर में जो सिलेंडर होता है, जो हम सिलेंडर यूज करते हैं, उसके अंदर जो एलपीजी गैस होती है वो गैस के फॉर्म में नहीं होती, लिक्विड के फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे हम इसे ऑन करते हैं तो जो पाइप में आता है वो क्या होता है, गैस के फॉर्म में होता है। यानी पहले लिक्विड के फॉर्म में थी, उसके बाद जब पाइप से आता है तो वो गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। और गैस का इस्तेमाल हम किस में कर लेते हैं, जलाने में कर लेते हैं, यानी कि हीट को प्रोड्यूस करने में कर लेते हैं। तो यही यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको बताना है इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज वो होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंज वो होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अगर इसी गैस को स्टोर कर दें हम वापस से सिलेंडर में तो क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर दिया जाएगा, यानी ये फिजिकल चेंज है, ये क्या हो जाएगा, एक फिजिकल चेंज है। लेकिन जब गैस का इस्तेमाल हम हीट को प्रोड्यूस करने में कर रहे हैं तो क्या जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कलेक्ट करके वापस एलपीजी गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज है। यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका फिजिकल चेंज से रिलेटेड है और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपका केमिकल चेंज से रिलेटेड है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव आहार नलिका का कौन सा पार्ट ऐसा है जो वसा का पूर्ण पाचन करता है, यानी जो हम फूड को कंजर्व करते हैं, जैसे कि बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, पिज्जा हो गया, जिसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो जो फैट का डाइजेशन होता है वो हमारी आहार नलिका के किस पार्ट में होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा होगा। फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ जो ये संरचना आपको दिख रही है केचुए की तरीके, वास्तव में केचुआ नहीं है, ये छोटी आंत है। तो वसा का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है, यानी जो हम फैट कंज्यूम करते हैं खाने के माध्यम से, जो हम फैट कंज्यूम कर रहे हैं अपने बॉडी में, उसका जो डाइजेशन होता है वो होता है आपकी छोटी आंत में। तो यहाँ आपका छोटी आंत सही हो जाएगा। छोटी आंत किसमें दिया हो, सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आमतौर पर खाद्य परिरक्षकों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं? जब हम फूड को काफी लंबे समय तक बचा के रखना चाहते हैं तो उनमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि मसाले हो गए, अचार हो गया, सलाद हो गया, जैम होता है जो हम खाते हैं, तो स्टोर में जब खरीदने जाते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि हमारे खरीदने के एक दिन पहले ही स्टोर में आए हैं, यानी कि वो पहले एक दिन पहले ही उनका प्रोडक्शन हुआ है। हो सकता है महीनों पहले उनका प्रोडक्शन हुआ हो सकता है कि एक हफ्ते पहले उनका प्रोडक्शन हुआ है। तो लंबे समय तक उनको बचाने के लिए बैक्टीरिया से, जम से, सड़ने से कई सारे केमिकल का यूज किया जाता है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन से केमिकल का या कौन से रसायन का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। यह दो केमिकल ऐसे होते हैं जिनका यूज किया जाता है, एक होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और दूसरा होता है सोडियम बेंजोएट। देखते हैं ये किस में दिया हुआ है, तो ये फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया है वही सेम एज इट इज यहाँ मेंशन किया गया है कि इनका इस्तेमाल आमतौर पर खाद्य परिरक्षक के रूप में होता है। खाद्य परिरक्षक ऐसे रसायन होते हैं जो भोजन को ऐसे रोगाणुओं से या ऐसे रोगाणुओं से इन्हें बचाते हैं जो उन्हें दूषित कर सकते हैं या सड़ा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि ये आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैटरी एक पानी सर्किट में एक पंप के तरीके है, यानी कि एक आदमी एक बैटरी को देखता है और कहता है कि ये जो बैटरी है ये एक पानी सर्किट में एक पंप की तरह है। तो आपको ये बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये क्या दर्शा रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, क्या ये एक मॉडल को दर्शा रहा है, क्या ये एक हाइपोथेसिस को दर्शा रहा है, क्या एक एनालॉजी को क्रिएट कर रहा है, या एक ऑब्जर्वेशन को क्रिएट कर रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप टी शर्ट पहन के आपने एक टी शर्ट पहनी और आप घूमने के लिए बाहर निकल गए। आपने देखा एक आदमी सेम आपकी तरह का टी शर्ट पहने हुए, सेम आपके कलर का, आपके डिजाइन का। तो आपने दोस्त से कहा देखो इसकी जो टी शर्ट है ये सेम मेरी तरह की लग रही है। तो आप क्या फाइंड कर रहे हैं, आप समरूपता देख रहे हैं ना, यानी आपकी टी शर्ट में और उसकी टी शर्ट में क्या सिमिलर चीजें हैं, क्या सिमिलैरिटी मिल रही है। तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं, यानी एनालॉजी कहते हैं, जिसे हिंदी में सादृश्य भी कहते हैं। तो सेम चीजें यहाँ भी हो रही है, उसे दोनों में कुछ सिमिलरिटीज नजर आ रही है इसलिए उसने ऐसा कहा है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, एक सही है एक गलत है, यही आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक शिक्षक को अवधारणाओं को मूल बातों से सिखाना चाहिए यह मानते हुए कि छात्रों को कुछ नहीं आता, यानी ये कह रहा है कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसे एकदम बेसिक से पढ़ाना चाहिए ये मानते हुए कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसा तो हम बिल्कुल भी मान ही नहीं सकते क्योंकि आजकल के बच्चों को बहुत कुछ आता है। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमें ये मानकर चलना ही है कि बच्चे को बहुत कुछ आता है और को जो भी आता है उसके जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी आइडियाज के साथ वो स्कूल आ रहा है वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक हंडर नहीं है, वो एक एडिशनल सपोर्ट है। तो हमें पॉजिटिव लेना है। और जीन पियाजे कहते भी हैं कि छोटा बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाता है। सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड में यही दिया हुआ है कि छात्र के जो इनिशिएटिव आइडियाज होते हैं वो हमेशा मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं, गलत अवधारणाएं क्रिएट करते हैं। क्या हम ऐसा मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चे के बारे में तो निगेटिव सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव सोचना है। आपको जो भी कमी निकालनी है आप खुद में निकालिए, क्योंकि ऐसा बोला भी जाता है कि जब बच्चा फेल होता है तो फेल बच्चा नहीं हुआ, सिस्टम फेल हुआ है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे क्योंकि निगेटिव दिए हुए हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक पद्धति का सटीक वर्णन कर रहा है, यानी साइंटिफिक मेथड की, इनमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन ऐसा है जो साइंटिफिक मेथड की सही से व्याख्या कर रहा है, ये आपको बता रहे हैं। पहला कह रहा है कि ये एक फिक्स्ड सीक्वेंस है। साइंस में हम फिक्स्ड सीक्वेंस की बात ही नहीं करते, साइंस में कुछ भी फिक्स नहीं है। जो भी स्टेप है वो जरूरी नहीं कि एक ही स्टेप में हो, आगे पीछे हो सकते हैं, और स्टेप को हम साइंस में फॉलो भी नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ कुछ स्टेप है ही नहीं। तो पहला तो गलत ही हो जाता है क्योंकि फिक्स्डनेस की बात कर रहा है, पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट प्रोसेस एंड दैट डू नॉट नेसेसरली अकर इन अ सर्टेन सीक्वेंस। बिल्कुल सही बात है। साइंस क्या होता है, थॉट प्रोसेस का
कलेक्शन होता है, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम देखते हैं, जो हम नया क्रिएट करते हैं, वो सब साइंस है। तो साइंस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट है, और ये जरूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में हो, आगे पीछे भी हो सकते हैं। हो सकता है हमने पिन तोड़ना पहले सीखा, बाद में उसको जोड़ना सीखा, हो सकता है हमने उसको जोड़ना पहले सीख लिया, बाद में उसको तोड़ना सीख रहे हैं। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट बता रहा है, इसलिए सेकेंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण देने में से कौन सा सहायक होगा। जब भी हम रिमीडियल टीचिंग की बात करेंगे तो रिमीडियल के साथ डायग्नोस्टिक तो बिल्कुल ही आएगा, क्योंकि रिमीडियल के बाद ही तो हम डायग्नोस करने के बाद ही तो हम रिमीडियल टीचिंग करते हैं। पहले हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम रिमीडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिमीडियल के साथ हमेशा डायग्नोस्टिक आएगा। और पहले कौन आएगा? पहले डायग्नोस्टिक आएगा, पहले हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके बाद हम रिमीडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण को प्रोवाइड करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से तेल में यात्रा करती है तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यानी एक लाइट रेज है, ये लाइट रेज आप देख रहे हैं, पहले ये एयर में ट्रेवल कर रही थी, उसके बाद ये ऑयल में ट्रेवल करती है। जो रेड जोन है ये आपका एयर जोन है, यानी जो रेड एरो दिखा रही है यानी कि जो लाइट है वो हवा में है, और जो ब्लू है वो दिखा रही है कि ऑयल में प्रवेश कर गई है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें इसकी प्रवृत्ति में क्या चेंजेस आएंगे, इसके स्पीड में क्या चेंजेस आएंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जब लाइट हवा से जल में या तेल में प्रवेश करेगी तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, वो हमेशा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ये कौन सी रेज है आपकी, यानी ये कौन सी लाइन है, ये आपकी नॉर्मल लाइन है यानी सामान्य रेखा। तो जब भी प्रकाश की किरण हवा से तेल में प्रवेश करेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो सामान्य की तरफ झुक जाएगी। यही यहाँ दिख भी रहा है चित्र के माध्यम से, और आप इसे रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रकाश की गति कम हो जाएगी और वो सामान्य की तरफ झुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ऑप्शन आपके सामने और आपको बताना है। ये फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, बेसिकली ये ब्लू नहीं है, कौन सा कलर है ये आप कमेंट करके बताइए। ये है आपका पित्ताशय जो पित्तरस को प्रोड्यूस करता है। और पित्तरस क्या होता है, ये एक पाचक, मतलब पित्तरस जो होता है इनमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, डाइजेशन में हेल्प जरूर करता है लेकिन इनमें कोई डाइजेशन एंजाइम नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ सही हो जाएगा आपका पित्तरस। और पित्त, ये पित्त की थैली है जिसे पित्ताशय कहते हैं, इसे पित्त की थैली भी कहते हैं। और ये आपने सुना भी होगा कि बहुत लोगों को स्टोन हो जाते हैं पित्त की थैली में, तो यही हो जाते हैं, नहीं यहाँ आपके स्टोन हो जाते हैं जिससे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है और सही टाइम पे ऑपरेशन ना कराया जाए तो ये कैंसर का भी रीजन बन जाता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पित्तरस। पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है लेकिन फिर भी ये डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप ए सॉरी बी है, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, वो एक ऐसी लेडी से शादी करता है जिसका ब्लड ग्रुप ए है। अब आपको ये बताना है कि जो उनके बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो आप फिगर देख रहे हैं, जो पर्सन है इनका बी, जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, और ये जो मदर है इनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। और इनके जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, यानी ओ भी हो सकता है। इन चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि एक फिक्स्ड ब्लड ग्रुप ही होगा। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, और ए बी भी हो सकता है। इसलिए यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसके कारण मछली के शरीर की जो सतह है वो सूक्ष्म जीव द्वारा छह से सुरक्षित रहती है, यानी जो मछली होती है या तो पानी में पाई जाती है, पानी में क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, यानी समुद्र में पाई जाती है, या तो पानी कोई तालाब में पाई जाएगी, तालाब में या समुद्र में बहुत सारे छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मछली की सतह को खत्म कर सकते हैं यानी खा डालेंगे। तो पूछ रहा है कि मछली के प्रति में ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, बिल्कुल भी उसे
हाँ मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसकी सतह को खा नहीं सकते, तो वही आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको बताने इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ये क्या है, मछली की स्किन है। इसमें पाया जाता है मुकुश यानी कि बलगम, इसे बलगम की परत कहते हैं। इसकी प्रेजेंस में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसकी स्किन को नहीं खा सकता, इसकी स्किन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिंथेटिक संकेतक क्या है, यानी इनमें से कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं। मान लीजिए आपके पास दो सोल्यूशन दिए हुए हैं, यानी दो विलयन दिए हुए हैं, और आपको नहीं पता है इनमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो ये पता करने के लिए कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर हमारी बेसिकली मदद करते हैं ये जानने में कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। इंडिकेटर थ्री टाइप के होते हैं, तीनों आपके सामने दिए गए हैं। जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं वो होता है आपका हल्दी और लिटमस पेपर। आपने पढ़ा होगा लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, दूसरा होता है फिनोप्थिलीन। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा दिया हुआ है। तो यहाँ मिथाइल ऑरेंज दिया हुआ है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मिथाइल ऑरेंज क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर है। हल्दी का घोल क्या है, लिटमस पेपर क्या है, ये आपके नेचुरल इंडिकेटर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी का एक नमूना यानी कि एक वाटर का सैंपल है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 102 डिग्री सेल्सियस है। अब आपसे पूछ रहा है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 102 डिग्री सेल्सियस है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा। अगर नॉर्मल वाटर की बात करें तो नॉर्मल वाटर का जो टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जो ये वाटर दिया हुआ है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 102 डिग्री सेल्सियस यानी 100 से ज्यादा है। जब किसी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हैं, यानी कुछ ना कुछ अशुद्धता मिली हुई है। और जब हम पानी में अशुद्धता मिक्स कर देते हैं या इम्प्योरिटीज डाल देते हैं तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जम जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर में इम्प्योरिटीज है और इम्प्योरिटीज हमेशा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देती हैं और फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देती हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब रिपीटेड क्वेश्चन है। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ से मिलेगा आपको, तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे तो वहां आपको एक लिंक मिलेगा जो टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड है। जैसे ही आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली ऐसे ही क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और उनका पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।